हेलो बच्चों, मैं शहजाद सर और आज आपके लिए लाया हूं मैं नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं संख्या पद्धति के जो एग्जांपल्स हैं उनका सॉल्यूशन प्लस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आपको सारे सेट्स के बारे में बता दिया था कि किस सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन से नंबर आते हैं। आज उसी की नॉलेज पर ये एक्सरसाइज आपके सामने में आएगी। तो दोस्तों ज़्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो बच्चों आज की क्लास में हम एग्जाम्पल वन से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और पिछली क्लास में हमने पूरी हिस्ट्री आपको डिफाइन कर दी थी, ठीक है। हम उम्मीद है वो दोस्तों आपने कवर कर ली होगी, उसके नोट्स बना लिए होंगे। आज इसका हम पहला एग्जाम्पल है और जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर नीचे नजर आएंगे और इसके लास्ट में जो है जो एक्सरसाइज होगी उसकी कॉपी भी आएगी और उसकी आंसर शीट भी आपके सामने आ जाएगी। आप बढ़िया बढ़िया करके नोट्स बनाते रहिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, इसमें दोस्तों कह रखा है कि इस क्वेश्चन के तीन पार्ट दे रखे हैं और क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर नीचे दिखाई देगा। लास्ट में क्वेश्चन का आंसर शीट और एक्सरसाइज भी दिखाई देगी आपको। और क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए, ठीक। और इसके तीन पॉइंट दे रखे हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये हमने पहले लिखा है। वो ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि जो स्टेटमेंट लिखा है क्या ये सही है या गलत है, तो देखते हैं भाई। इसीलिए हमने पहली वीडियो में जो इसमें पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या वगैरह वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, तो पहले ही हमने एक वीडियो ऐसी बनाई, आपको फर्स्ट वीडियो तो दी थी, उसमें हमने सब डिफाइंड किया था, अब हमें जरूरत नहीं है। देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या, एक तो पूर्ण संख्या का जिक्र हुआ और एक प्राकृत संख्या का जिक्र हुआ, तो सबसे पहले हमें आना चाहिए कि हमने पूर्ण संख्या क्या है। तो पिछली वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो इससे पहले हमने अपलोड करी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, उसी से हमें बहुत नॉलेज मिलेगी, उसी से हमें बार बार आगे सीखने मिलेगा। तो पूर्ण संख्याओं के अंदर, और जो बच्चे हमारी पहली वीडियो देखकर आए हैं तो उन्हें आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। पूर्ण संख्याओं को हमने डब्ल्यू से लिखा था और डब्ल्यू के अंदर कौन कौन सी संख्याएं थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट, यस, 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक, अनंत तक लिख लिया। अब प्राकृत संख्या, तो बच्चों बताओ प्राकृत संख्या को किस नंबर से शो करा था हमने, एन से, ठीक है। ये आ गया पूर्ण संख्याएं, इधर लिख देता हूं, पूर्ण संख्याएं को डब्ल्यू से शो करा था हमने और प्राकृत, और इसका दूसरा नाम क्या था, प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या है, इसको हमने एन से शो करा था। और बताओ एन के अंदर कौन कौन सी थी, एन के अंदर थी हमारे पास सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, याद है सब कुछ पिछली वीडियो में डिफाइन किया हुआ है। और अगर जीरो बढ़ा देते हैं इसके अंदर तो डब्ल्यू बन जाता है, पूर्ण संख्या। अब देखते हैं कि क्या कह रहा है स्टेटमेंट, प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि हर एक संख्या इसकी, इस सेट की हर एक संख्या वो प्राकृत संख्या है, क्या ये बात सही है, ठीक है। वन पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या में भी है, ठीक। टू, थ्री, फोर सारे नंबर हैं, लेकिन जीरो, जीरो पूर्ण संख्या के अंदर है लेकिन प्राकृत संख्या के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है होती है, ये सही है गलत है, असत्य, असत्य, क्योंकि शून्य, शून्य पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। तो लिखेंगे पूरा रीजन, क्योंकि शून्य यानी जीरो पूर्ण संख्या तो होती है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, ठीक, या प्राकृत संख्या नहीं, प्राकृत संख्या नहीं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे ये क्या लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज शून्य इज द होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, पहला पार्ट ये हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये सेकंड पार्ट है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये आपको स्क्रीन में नीचे दिखाई दे रहे होंगे चलते हुए, ये आपको मिल रहे हैं, ठीक।
अब हमें बताना है प्रत्येक पूर्णांक। तो देखिए पिछली वीडियो का कितनी जरूरत पड़ रही है, पूर्णांक के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में डिफाइन करा है और परिमेय संख्या के बारे में भी बताया है। तो सबसे पहले पूर्णांक के बारे में लिखेंगे। अच्छा बच्चों बताओ पूर्णांक को किस नंबर से शो करा था हमने? अगर Z कहा है तो आपने बिल्कुल सही कहा है, और कुछ नहीं कहा तो भाई Z है, पढ़ लो थोड़ा सा और उसको जरूर पढ़ के आना। नीचे वाली वीडियो जो हमने पहली वीडियो बनाई है उसको जरूर पढ़ना और याद कर लेना, ठीक है? तो Z के अंदर है पूर्णांक, और पूर्णांक के अंदर क्या क्या आता है हमने आपको बताया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी आती हैं और निगेटिव भी आती हैं, सिर्फ पूरे अंक आते हैं बटे में नहीं आते, कहाँ तक? अनंत तक। तो Z के अंदर तो दोस्तों हमने ये लिख लिया, ठीक। अब बच्चों परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को किस चीज से शो करा था? इधर भी लिख देते हैं पूर्णांक, ये पूर्णांक था, आपको याद रहना चाहिए। और पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर, और सारे पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाले भी बहुत ध्यान से समझते रहेंगे। और परिमेय संख्या हो गया ये परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, सब कुछ डिफाइन किया हुआ हमने। क्यू के अंदर कौन कौन से आते थे दोस्तों? क्यू के अंदर ये सारे संख्याएं आती थी, 0 भी आगा, 1 भी आगा, 2 भी आगा, 3, यानी कि सारे पूर्णांक आते थे, नेगेटिव वाले भी और एक्स्ट्रा में बटे वाले भी आते थे, 2/3, 3/4, 4/5 और नेगेटिव भी, माइनस 1/3, माइनस का 2/3, जितनी भी बटे की संख्या सब आते थे। ये तो था। अब स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट कहता है प्रत्येक पूर्णांक, यानी कि ये वाला हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, या यूं कह समझ सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या वाले सेट के अंदर आता है। तो देखें हर पूर्णांक यानी इसका हर नंबर इस परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या वाले सेट के अंदर है। तो चेक करते हैं भाई, जाहिर है ये वाली सीरीज 0 से लेकर 1, 2, 3 तो आती है ऑलरेडी, क्लियर, और माइनस 1, 2, 3, 4, 5 ये भी आती है, और ये तो यानी सब आती है और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आती है। तो इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक सारा पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। तो देखिए अगर हमने सेट के बारे में नहीं जाना होता तो इन क्वेश्चनों को हम समझ नहीं पाते, इसलिए पहली वीडियो हमने जो आपको बनाई है बार बार उस वीडियो पर हम आपको फोकस करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि उसमें अपार नॉलेज है। तो आप जरूर करिएगा भाई और जरूर देखिएगा बच्चों उसको, ठीक है? तो इस हिसाब से प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, सत्य, ठीक। तो लिखेंगे सत्य, सत्य, और इसका रीजन नीचे लिख देंगे क्योंकि पूर्णांक जो होता है वो m अपॉन n के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि m का मतलब कोई भी नंबर उठाओ और उसे बटे में बना सकते हैं, m अपॉन 1 लिख के, ठीक। तो सत्य हो गया स्टेटमेंट। अब इसका थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट पर क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट पर पढ़े, इसमें लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो वही परिमेय संख्या के बारे में और पूर्णांक के बारे में बताया गया, तो आपको उल्टा कह रखा है कि क्या ये सारी संख्याएं इस वाले सेट के अंदर होती हैं? आपकी बार ये कह रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या यानी सारी परिमेय संख्याएं क्या पूर्णांक होती हैं? तो भाई अभी हमने देखा है कि पूर्णांक तो सारे हैं लेकिन एक्स्ट्रा भी हैं, तो ये एक्स्ट्रा वाली संख्याएं इसके अंदर कहां आती हैं? नहीं आती ना भाई। इसने कह रखा कि सारी संख्याएं जितने भी सारा सेट है ये पूरा सेट क्या इसके अंदर आता है? कहाँ आता है? इतना आता है बस, ये रखा है, इसका एक्स्ट्रा पार्ट भी होता है, इधर भी होता है, ये नहीं आता, तो ये असत्य हो गया। तो लिखेंगे असत्य। एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई सा भी, क्या कि 1/3 की संख्या ले लो, 2/3, क्योंकि कोई सा भी एक एग्जाम्पल, 2/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्णांक नहीं, इसलिए सत्य है। और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये सत्य है क्योंकि प्रत्येक संख्या को m अपॉन m के रूप में लिखा जाता है। m का मतलब यहां से हर संख्या उठाओ, -2 उठाओ -2/1 परिमेय बन गए, -5 उठाओ -5/1 परिमेय बन गए, प्लस में उठाओ m का मान कोई सा भी नंबर उठा लो यहां से उसके नीचे रख देंगे तो परिमेय संख्या होगी। इसलिए हर संख्या को यानी पूर्णांक को m अपॉन n यानी कि बटे में 1 रखते हुए बना सकते हैं, अर्थात इसके सारे एलिमेंट सारे नंबरों को परिमेय बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो परिमेय नंबर है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होते, इसलिए थर्ड पॉइंट हमारा पास असत्य हो गया। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है दोस्तों 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या है।
अब देखिए इसके बारे में हम सीखते हैं नई बात। एग्जाम्पल नंबर टू कहा उसने, वन और टू के बीच पांच परिमेय संख्या बतानी है। संख्या रेखा पर अगर हम इसे प्रदर्शित करें, जीरो वन और टू आगे भी, तो इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी? याद रखें अनंत संख्याएं होती हैं, हर किसी भी नंबर के बीच में अनंत संख्याएं पॉइंटों में चलेंगी। 0.1, 0.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.11 अनंत संख्याएं होंगी। लेकिन उसने कहा कि इन दोनों के बीच में, सिर्फ यहां जो बीच में 1 और 2 के बीच में सिर्फ हमें पांच संख्या बतानी है। तो इसको सीखने के हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड तो यह है कि दिन दो नंबरों के बीच में परिमेय संख्या बनानी, उन दोनों को जोड़ दो, दो से भाग कर दो, बार बार कर जाओ। तो मेथड फर्स्ट, दोनों मेथड आपको सिखाते हैं। पहला सीखेंगे मेथड फर्स्ट। इसमें एक और दो के बीच में सीखा है, तो वन और टू के बीच पहली परिमेय संख्या, जो होगी वो आसान तरीका, इन दोनों को जोड़ दो जिनके बीच में निकालनी है, एक और दो को, और दो से भाग कर दो। हमेशा दो से ही भाग करनी है। तो आंसर आएगा 3/2। इसे भाग करेंगे तो 1.5, यानी कि 20 का मतलब होता है इससे तो 1 से तो ज्यादा और 2 से कम, तो 1.5 आ गया, 3/2 हो गया। किस किस के बीच में आ गया, ऐसे लिख देंगे, यानी कि 1 और 2 के बीच में पहली परिमेय संख्या 3/2 हो गई। ठीक, अब आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ दें, 2 से भाग कर दें, या इन दोनों को जोड़ दें, 2 से भाग कर दें, दूसरी संख्या आ जाएगी। दूसरी संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, ये हमारी मर्जी है, शुरू की दो को जोड़ा है या इन दो को जोड़ा है। जो इन दोनों को जोड़ेंगे वो इसके बीच में लिखेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो इसके बीच में लिखेंगे, एक ही बात। 1+3/2 को 2 से जोड़ दिया, 2 से भाग, तो 2 से भाग करने का मतलब, भाग करने का आसान तरीका 1/2 साइड में लिख दो। पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 × 2 और 1 × 3 5/2 गुणा 1/2 तो 5/4 भाग करेंगे तो 4 × 4 पॉइंट से भाग करेंगे और एक बचेगा, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। इस टाइप से इससे आगे को बनते चले जाएंगे, यानी कि दूसरी परिमेय संख्या किस किस के बीच आई, 1 और 3/2 और 2 इसके बीच में आई थी, तो लिख देंगे 5/4, दो परिमेय संख्याएं आ गई। इस तरीके से तीसरी परिमेय संख्या जो होगी, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो यहां लिख देंगे, इन दोनों जोड़ेंगे तो यहां लिख देंगे। कहीं भी हर बच्चे की परिमेय संख्या अलग अलग भी हो सकती हैं, सबके नंबर सही मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, क्योंकि भाई बच्चे बीच में बता रहे हैं, वो बता रहा है इसके बीच में, अगली वाली इसके बीच में, फिर नेक्स्ट इसके बीच में, वो तो इन्हीं के बीच में निकाला जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो आएगी यहां फिट कर देंगे, फिर इन दोनों के बीच में फिर यहां फिट कर देंगे, सब कुछ सही माना जाएगा। तो परिमेय संख्याओं का आंसर सब कुछ सही होता है। आगे हम इसको डिफाइन करते हैं, पहले रफ करते हैं। अब इसको यहां से दिखाते हैं, दो हो गई तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या, तो वही तीसरी परिमेय संख्या आप चाहें तो, चाहे तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लेते हैं, यहां लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ से भाग करेंगे तो यहां लिख देंगे, जो मर्जी है वो कर सकते हैं। मान लिया हम इन दोनों के नीचे लिखना चाह रहे हैं तो तीसरी परिमेय संख्या यहां लिख दें, तो कितना आएगा, 3/2 + 2 और भाग करने का मतलब 1/2 से गुणा कर लो, ऐसे दे लेंगे, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 7, 7/2 1/2 यानी कि 7/4। तो इसको ठीक से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1 5/4, 3/2 और 7/4 किस किस के बीच में, यहाँ आया ना और 2 ये आ गया, तो इन दोनों के बीच में चल रही है कहानी। ऐसे इन्हें बॉक्स में बंद कर सकते हैं हम कि इनके बीच में चाहिए हमें, इनके बीच में कितनी संख्या हो गई अब तक, 1, 2, 3। इस तरीके से चौथी, चौथी परिमेय संख्या, शॉर्टकट में चौथी संख्या या परिमेय संख्या, एक ही बात है, परिमेय सब शब्द लिख रहे हैं तो लिख लो भाई, परिमेय चौथी परिमेय संख्या, किसी के भी बीच में कोई भी दो नंबर जोड़ दो, 2 से भाग करनी है। तो अब मान लो कि इसके नीचे रखनी है तो ठीक है, 5/4 प्लस 3/2 वही 1/2, एलसीएम आ गया 4, यहाँ 5, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, 1/2 यानी कि 6 × 5 = 11 और 4 × 2 = 8। तो ये आ गया, ठीक से लिखेंगे, 1 के बीच में 5/4 इसके बीच में निकाली हमने, तो ये आ गया 11/8 और यहाँ 7/4 और ये 2, तो 1, 2, 3, 7/4 और किसके बीच में निकाली हमने, 3/2, 5/2,
यानी 5/4 3/2 इसके बीच में 3/2 वाला पोर्शन रह गया हमारे पास, इसे लिख देते हैं ठीक से लिखेंगे, यानी इसके बीच में लिखनी है वाली संख्या जो हमने निकाली है जिन संख्याओं के बीच में। तो यानी कि पहले लिख लेते हैं 5/4, इसके बीच में लिख ली हमने 11/8, ये 8 है, और 3/2 ये रहा, 7/4 ये रहा, और 2 ये रहा, यानी कि ये और यानी कि ये 1, 2, 3, 4 ठीक। पांचवी संख्या निकाल के दिखाते हैं, यहीं देख लेते हैं, चलो पांचवी संख्या तथा पांचवी परिमेय संख्या जहां मर्जी आए इजी देख लो, कोई सा भी चाहे कोई सा भी देख लो, मान लिया इसके नीचे देख लो 7/4 या इनके नीचे देख लो, जहां जिनके बीच में लिखेंगे उन्हीं के बीच में लिखना हमें। तो चलो इनके बीच में लिख लेते हैं 7/4 + 2 और 1/2 एलसीएम लिया, 4 × 2 = 8, 7 + 8 4 1/2 ये हो गया हमारे पास 7 × 7 = 14, 15 / 8 ठीक। तो अतः आंसर आ गया, अतः 5 परिमेय संख्याएं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो अब लिखेंगे कौन कौन सी, किस किसके बीच में निकाली है, अभी हमने 7/2 इसके बीच में, इनके बीच में लिखना है। तो यानी कि 5/4, 11/8, 3/2, 7/4, 15/8 और ये 2 इसके बीच में और ये 1 इसके बीच में, ये आ गई हमारे पास 5 परिमेय संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 देखा, बहुत आसान तरीका था। ये था हमारे पास मेथड 1। अब हम इन संख्याओं को निकालने का मेथड 2 यानी दूसरा तरीका बताते हैं आपके लिए। अब बताते हैं हम आपको मेथड 2 परिमेय संख्या ज्ञात करने का। तो देखिए मेथड 2 दूसरा तरीका, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या बतानी है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या यहां बतानी है, और ये 5 परिमेय संख्या जो हमने निकाली है वो हमने यहां साइड कर दिया। परिमेय संख्याएं सबकी अलग अलग आ सकती हैं क्योंकि परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं, समझ रहे हैं आप। कोई इन दोनों के बीच को जोड़कर यहां लिख दिया, फिर इन दोनों बीच को जोड़कर यहां लिख दिया, फिर इन दोनों बीच को जोड़कर यहां लिख दिया, आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो वो भी आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए परिमेय संख्याएं जब भी 5, 6, 4 जो भी पूछेगा वो सबके आंसर बच्चों का सही होंगे, बशर्ते उनकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो ठीक। अब हम दूसरा मेथड बताते हैं, 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं निकालनी है हमें, 5 संख्या निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, जो 5 होता है उसमें अपनी तरफ से 1 और ऐड करके लिख लेते हैं हम 6, ये हो जाता है हमारे पास सबके लिए हर। हर हर का मतलब होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सीखेंगे, डिनोमिनेटर ठीक। अब क्या करते हैं, 1 को 6 हर लिखा, 6 जो आया, अब कितना नंबर लिखे यहां पर ऊपर, इस 6 से इसको डिवाइड करें तो 1 आए, ओब्वियसली जाहिर 6 × 6 करेंगे तो 1 आया, है ना, तो 1 आ गया, ये नंबर का मतलब 6। अब यहां से 2 नंबर ये है, ये एक लाइन में आंसर आने वाला है 2, ऐसे ही 2 का 6 जो हर है वो हर एक नंबर के लिए 6 रखना है, 6 आ गया। यहां पर कितना नंबर लिखें तो इसे काटें तो 2 आए, तो अगर हम देखें तो 12 लिखें, 6 × 12 2 आया, इससे ये फायदा हुआ 6/6। अब जो ये नंबर हमने पहचान कर लिया 12/6 और 6/6, इससे अगर आगे को ऊपर की संख्या बढ़ते चले जाओ 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 नंबर जो आ गए ये इसकी परिमेय संख्या हो गई। हालांकि ये परिमेय संख्याएं इनसे अलग हैं, लेकिन अगर हम सबको डिवाइड करें, कैलकुलेटर से डिवाइड करें, साइड में डिवाइड करें, डिवाइड करके देखें अगर हम, तो सबके आंसर जो आएंगे वो 1 से तो बड़े होंगे, 1 पॉइंट इतना और 2 से कम होंगे, 1.9 हो जाए, 1.87 हो जाए, कुछ हो जाए, हर एक की डिवाइड करके देखो, चाहे थोड़ी देर के लिए आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, कभी 7/6 का आंसर कितना है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा हर एक का, यानी हर एक का 1 से ज़्यादा और 2 से कम आएगा, तो परिमेय संख्याएं ये भी हो गई। इनको डिवाइड करें आप तो ये भी आंसर सही है, क्योंकि इनके आंसर भी 1 से ज़्यादा आएंगे और 2 से कम आएंगे, इनके बीच की परिमेय संख्या लेनी है। तो परिमेय संख्याएं निकालने का ये शॉर्ट तरीका हो गया,
वो लेंथ ही हो गया। इसमें जो आपको ईजी लगे वो कर सकते हैं। इस तरीके को एक बार हम फिर से डिफाइन करते हैं। हमने क्या करा, जिस नंबर को भी इस नंबर के नीचे निकालना था और इस नंबर के 2 के नीचे निकालना था, बीच में मतलब 1 और 2 के बीच में निकालना था हमें परिमेय संख्याएं। तो जितनी परिमेय संख्याएं पूछेगा, 5 पूछेगा तो 5 प्लस 1 अपनी तरफ से ऐड करना है, 6 पूछेगा तो 6 प्लस 1, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जिसमें 6 संख्याएं पूछी हैं, तो इस तरीके से 6 प्लस 1, 7 पूछेगा तो 7 प्लस 1, यानी जो भी 1 ऐड करके आंसर आएगा वो हो गया हर। तो 1 के बराबर लिखेंगे बटे 6 और 2 के बराबर में लिख के बटे में 6। लिखने के बाद में यहां पर ऐसा कौन सा नंबर लिखे हैं कि जिसे इस नंबर को डिवाइड करें तो उसका आंसर बना है, क्योंकि 6 बटे 6 का आंसर बना गया, तो 1 को हम 6 बटे 6 भी लिख सकते हैं, तो यहां 6 आ गया। ठीक, 6 एकम 6 एक आ गया ना, तो 6 तो हमने लिखा ऑलरेडी पहले ही, लेकिन अब यहां पर कितना नंबर लिखे यहां कि उसे काटें तो काट के नंबर आंसर 1 आए, तो वो एक 6 ही है, 6 के अलावा और काटेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा। ऐसे ही कोई और नंबर बड़ा नंबर रखते हैं, छोटा नंबर रखेंगे तो 1 नहीं आएगा, 5 रखें 6 7 रखें 8 रखें 1 नहीं आएगा, 1 तो केवल 6 बटे 6 से आएगा। ऐसे ही 2 नंबर आएगा, 6 नीचे है, कितना नंबर यहां पर रखें कि उसे इससे काटें तो 2 आए आंसर, या ना 2 तो 6 दूनी 12, क्योंकि 6 दूनी 12 2 आ गया ना। ठीक, तो ये सबसे पहले हमें ऐसे फिट करने हैं। तो अब हमने क्या देखा, 6 से ऊपर की गिनती बढ़ाते चले जाइए और 12 से पहले पहले का एक नंबर लेना है, बस हमें 12 नहीं पहुंचना है क्योंकि इनके बीच में लेनी है, और सबके नीचे 6666 रखना है। तो 6 से आगे बढ़े 7 8 9 10 11 12 नहीं लेंगे और सबके नीचे 6 6 6 6 ये नंबर आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल 2 हो गया। अब हम इसका एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज जो है हमारे पास है वो है 1.1। 1.1 एक्सरसाइज क्या कहती है, पहला क्वेश्चन इसका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। क्यू जीरो के बराबर हो जाएगा तो हमने आपको बता दिया अनंत हो जाता है। तो ये कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि हर शून्य के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो शून्य अपॉन 1 शून्य ही होता है, और परिमेय संख्या वो होती है जिसके बटे में हो, जहां 1 ही क्यों ना हो, तो शून्य एक परिमेय संख्या है, ये हो गया। हाँ, और क्या पूछा है, क्या इसे पी अपॉन क्यू ग्रुप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू ग्रुप में, ये हो गया आंसर, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। अब ये 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, और होमवर्क के लिए यहां 6 संख्याएं फिट करनी है, चाहे तो इस मेथड से करिए चाहे उस मेथड से करिए, जो आपको इजी लगे। और अगर आपको दोनों ही मेथड अच्छे लगते हैं तो तरीका यह है कि आप घर पर प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से करें, ये अच्छा तरीका है। इससे जो तरीका आपको दोनों फिट हो जाएंगे माइंड में और एग्जाम में जो आपको अच्छा लगे उसी से करें, आप फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि ये तरीका जो है काफ़ी लंबा है तो इससे मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, नहीं भाई, अकल तो इसके अंदर भी है, जिसके अंदर माइंड है, जिसे तरीका पता वही तो लिख सकता है इसको। ठीक, तो दोनों ही सही हैं, मार्क्स पूरे मिलेंगे, ये आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। और बच्चों होमवर्क के लिए हम एक नोट लिखेंगे DYS, इसका मतलब है D for do, Y for your, S for self, do yourself, DYS, जो हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आराम से वो समझ गए होंगे कि DYS का मतलब क्या है। तो भाई DYS हमारे लिए तो बहुत फ़ायदे का, क्योंकि ये होमवर्क के लिए पहुंच जाएगा, तो ये आपको होमवर्क में करके लाना है। हालांकि अगर ये आपसे नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको दे देंगे, लेकिन ये आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी की तरह है, वो ट्राई करेंगे अपने आप, किस तरीके से ट्राई करेंगे, दोनों मेथड से करें या एक मेथड से करें, वो भी आपको होमवर्क के लिए है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये एग्जांपल नंबर हमने बता दिया था, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। पहला पार्ट इसमें लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लिख लेते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों वही अभी एग्जाम्पल 2 तो सीखा था, प्राकृत संख्या के अंदर पहले जो चीज आती है उसे नोट कर लेंगे, n के अंदर आता है 1 2 3 4 5 अनंत तक,
ठीक है। और पूर्ण संख्या, दोस्तों पूर्ण संख्या को हमने कैसे लिखा था, W से, और W के अंदर इतना फर्क था सिर्फ 0, 1, 2, 3, 0 और 8 था बस, बाकी सब कुछ सही है। अब इसका आर्टिकल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राक संख्या यानी कि हर एक संख्या इसकी हर एक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसके अंदर है या नहीं है, होती है मतलब ये सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं या नहीं है। तो हम देखते हैं आराम से, सारी संख्याएं इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ प्रत्येक संख्या इसके अंदर होती है, ये बात सही है। लेकिन ये दोनों चीजें आप जरूर लिख के दिखाएंगे, हालांकि खाली हाँ से भी काम चल जाएगा, अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वन मार्क का होगा, तो ये क्वेश्चन आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन मजा सेटिस्फेक्शन एग्जामिनर को तभी आएगा जब आप उसको ये डिफाइन करके दिखाएंगे। अगर आपने ये दोनों सेट लिख के बता दिए कि नेचुरल नंबर के अंदर ये आता है और पूर्ण संख्या डब्ल्यू के अंदर ये आता है, तो वो आपको समझ आएगा कि आपने हाँ जो लिखा है किसी की चीटिंग नहीं करी है, बल्कि अपनी तरफ से लिखा है। तो यहाँ फिर बार बार हम जोर दे रहे हैं आपके लिए, फोकस कर रहे हैं, पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा और स्किप करके मत देखिएगा। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट इसका है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसके बारे में बताना, तो वही पूर्णांक आ गया, तो पूर्णांक के बारे में हमने क्या लिखा था, इंटीजर, इंटीजर के अंदर कौन कौन सा आते थे, 0, 1, 2, 3, 4 अनंतक और निगेटिव की सारी संख्या, -2, -3, बटे में कोई संख्या नहीं आती है, ठीक, या पूर्ण के अंदर। और एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या फिर वही W लिख लेते हैं इसके नीचे, W, W के अंदर आता है 0, 1, 2, 3, 4। अब चेक करते हैं क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है, वो बताना हमें, पता करवा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, यानी हर एक नंबर ये पूर्णांक, क्या ये हर एक नंबर इस पूर्ण संख्या वाले सेट के अंदर आता है, क्या हर एक नंबर या हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो देख के बताइए कि क्या ये सारे नंबर इसके अंदर मौजूद हैं। तो देखा हमने, ये सारी संख्याएं तो इसके अंदर मिल गई, लेकिन नेगेटिव संख्या इसके अंदर नहीं है, तो ये वाली बात जो इसने कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। और एक एग्जाम्पल लिख देंगे क्या असत्य है, क्योंकि कोई सा एक नेगेटिव वाली संख्या उठा लो, क्योंकि -2 एक पूर्णांक तो है, पूर्णांक तो है, परंतु क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि नेगेटिव का कोई भी एग्जाम्पल ले लो कि -3 पूर्णांक में तो है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरीके से इसका ये हमने सेकेंड पार्ट कर लिया। थर्ड पार्ट इसके बारे में पूछ रहा है और ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो वही परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 0, 1, 2, 3, आगे तक -1, -2, 3, आगे तक आ गए, बटे की संख्या है 2 बटे 3, 3 बटे 4, सारी बटे की संख्या है, सारी निगेटिव की संख्या है, सब इसके अंदर आ गई। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है W के अंदर ये, तो क्या हर एक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंदर आती है, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव वाली संख्या ही नहीं आ रही, जैसे इसमें नहीं आ रही, तो ये हो गया असत्य। एग्जाम्पल लिख देंगे, चाहें तो आप लिख दें कि 2/3 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, 3/4 कोई सी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से पहली एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन हमने पूरी तैयार कर ली। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे, और अगली वीडियो में दोस्तों हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखेंगे और एक्सरसाइज 1.2 तक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो का बढ़िया करके इसको देखिएगा और इसके अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा। यूं ही नई उम्मीद नई किरण के साथ हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।